देरी रात थी। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थी और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। परंतु राजन की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वो अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रहे। वो जानता था कि उसका दिमाग खेल नहीं कर रहा, कुछ तो अजीब हो रहा था। एक रात पहले उसे लगा जैसे कोई उसके घर के पीछे वाले जंगल में से उसका नाम पुकार रहा हो। पहले तो उसने इसे अनसुना किया, लेकिन वह आवाज उसके दिल में एक डर का बीज बो गई। आज रात उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। राजन ने टॉर्च उठाई और दबे पांव घर के बाहर निकल आया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वो कुछ ही दूर पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी छाया पर पड़ी। वो छाया किसी इंसान की तरह दिख रही थी, पर उसके चारों ओर धुंध सी फैली हुई थी। कौन है वहाँ? राजन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसके सवाल का जवाब देते हुए वो छाया हंसने लगी, एक ठंडी और डरावनी हंसी जिसने राजन की रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। तुम मुझे कब तक अनदेखा करोगे राजन? आवाज ने कहा। राजन के पांव कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे वहां खड़ा रहना चाहिए या भाग जाना चाहिए, परंतु उसके दिल में डर के बावजूद जिज्ञासा हावी थी। तुम कौन हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं वही हूँ जो बरसों से तुम्हारे परिवार का इंतजार कर रहा हूँ, आवाज ने कहा। तुम्हारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। राजन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दादा ने एक बार बताया था कि उनके परिवार पर एक पुराना श्राप था, लेकिन वो इसे कभी सच नहीं मानता था। अचानक वो छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। राजन ने भागने की कोशिश की, पर उसकी टांगे जैसे जड़ हो गई थी। वो न हिल पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। वो छाया अब उसके बहुत करीब थी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस श्राप से नहीं बच सकते राजन, आज रात तुम्हारा अंत तय है। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में एक अजीब दृश्य मिला। राजन का शरीर ठंडा और निर्जीव पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हो। लोग कहते हैं कि वो आवाज अब भी जंगल में सुनाई देती है, किसी और की प्रतीक्षा करती हुई।